लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री एल संघ के प्रांतीय नेताओं आह्वान पर आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कर्मी दूसरे दिन भी लामबंद रहे। उन्होंने अपने अपने कार्यालयों में 2 दिवसीय कलमबद्ध हड़ताल के अंतिम दिन जिलाधिकारी आरपी सिंह को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर 3 दिसंबर तक समस्या समाधान की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री एल संघ के आह्वान पर बैठे कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बैठे सीएम योगी के सरकारी नुमाइंदे कलेक्ट्रेट कर्मचारी हैं। उन्होंने आज 3 सूत्रीय मांगों को पूरी किए जाने को लेकर कार्यालय में कार्य बहिष्कार कर आंदोलन की ओर उतर आए, जहां उन्होंने जिलाधिकारी आरपी सिंह को ज्ञापन सौंप कर बताया है कि उनकी सूत्रीय जायज मांगे हैं जिनका तत्काल समाधान किया जाए, अन्यथा वह आगामी 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश प्रकाश गुप्ता, मैं प्रांतीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का। साथियों, किन मांगों को लेकर आज हमारी 14 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर हम दो दिन के कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये हमारा प्रांत का नेतृत्व, हमको पूरे 75 जनपद में 100% हड़ताल हो रही है। हमारा पूरा 75 जनपद, 342 तहसीलें पूर्ण रूप से बंद है। साथियों, शासन में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुके हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया जा चुका, प्रमुख सचिव से भी वार्ता हो चुकी, उसके बाद भी हम लोगों का शासनादेश निर्गत नहीं हो पा रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी पहली मांग है कि हमारा कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, हम लोगों को नायब तहसीलदार बनाया जाए। तीसरी मांग है हमारा, ग्रेड वेतन चेंज किया जाए। चौथी मांग है दारुल सफा में हमारा कच्चा आवंटन किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या रुख अपना है? हमारा जनवरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे हम। अभी भी हम इस समय 2 दिन के अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं है, 2 दिन के केवल कार्य बहिष्कार किया है। उसके बाद हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का इरादा है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमको आश्वासन मिल गया है कि हमको 2 दिन के अंदर आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। कल भी वार्ता हुई है प्रमुख सचिव साहब से, उन्होंने कह दिया है, प्रमुख सचिव राजस्व ने, कि आपकी मांगे पूरी होंगी।